अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से और खुश होंगे बिल्कुल मेरी तरह। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी मॉर्निंग हैबिट देखेंगे जो कि आपकी जिंदगी को बदल देगी। वन मॉर्निंग हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ। और हो सकता है कि सुनने के बाद आपको लगे कि यार इसका तो असर क्या होगा, ठीक है, तो उसकी पूरी रीजंस भी देखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से उसको समझेंगे। और वो हैबिट है मेक योर बेड। आप जब भी मॉर्निंग में उठे तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, ठीक है, हाँ अगर सबसे पहला नहीं, या तो फ्रेश होने से पहले या फ्रेश होने के बाद, तो लाजमी आपने अपने बेड को अच्छी तरह से सेट करना है, अपने बिस्तर को अच्छी तरह से सेट करना है। अब आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये छोटा सा काम, ठीक है, कैसे मेरी जिंदगी को बदलेगा, तो उसकी कुछ रीजन है। सबसे पहली रीजन, आप सब जानते हैं कि जब तक, ठीक है, हम अपने बिस्तर को साफ नहीं करते तो हमारा दिल करता है कि हम वापस अपने बिस्तर में जाएं। और खास तौर पर ये सर्दियों के मौसम में, आपका पता नहीं पर मेरे साथ तो काफी बार हुआ कि जब तक मैं अपना बिस्तर सेट नहीं करता, मेरा दिल करता है मैं दोबारा अपने बिस्तर में जाऊं, ठीक है, दोबारा अपने बेड पे जाऊं। और फिर जाहिर बात है जब तक मैं अपने बेड में रहूंगा तो मुझ पे सुस्ती रहेगी, मैं अगला कोई टास्क नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन मैं अपने बेड को, ठीक है, टाइम पे सुबह उठते ही सेट कर लेता हूं, तो उसके बाद फिर मैं अपने बिस्तर पे नहीं लेटता बल्कि कोई ना कोई दूसरा टास्क करता हूं, कोई ना कोई दूसरा काम करता हूं। तो इसलिए ये पहली रीजन है कि हमने अपने बेड को उठते साथ ही, ठीक है, मॉर्निंग में सेट करना है। दूसरी और बहुत ही अहम वजह जो कि साइकोलॉजिकल तौर पे आप पे इफेक्ट करती है, ठीक है, कि आपने अपने बेड को सेट करना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है, लाजमी करना चाहिए, और वो ये है कि जब आप अपने बेड को सेट कर लेते हैं तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक विन की, ठीक है, फीलिंग पैदा होती है, जिससे आपको ये लगता है कि आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया। और जब आप एक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, एक टास्क को विन कर लेते हैं, तो फिर आप उसके बाद मूव करते हैं दूसरे टास्क पे, फिर दूसरे से तीसरे पे। तो इस तरह जब आप एक काम पहले अपना, ठीक है, विन कर लेते हैं, तो उसके बाद एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो इंशाल्लाह इससे आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरेगा और आप उस दिन में काफी सारे काम कर लेंगे। और अगर इन सब बातों को साइड पर भी रखा जाए कि आपने, चलो, अपना बेड सेट भी कर लिया और आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा, आपने कोई अच्छा काम उस दिन में नहीं किया या कुछ खासा काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप रात को थके हुए अपने बिस्तर पर आएंगे तो कम से कम आपको एक अच्छा नीट एंड क्लीन बिस्तर तो मिलेगा सोने के लिए, जिससे आपको पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा होंगी। और ये थी कुछ ऐसे रीजंस कि आपको मॉर्निंग में अपने बेड को लाजमी सेट करना चाहिए ताकि आप एक टास्क को विन करके दूसरे टास्क को करें, ठीक है, आप में लेजीनेस पैदा ना हो, आप वापस अपने बिस्तर पे ना जाएं। और जब आप रात को थके हारे, ठीक है, अपने बिस्तर पे आए तो कम से कम आपको नीट एंड क्लीन बिस्तर मिले सोने के लिए, जिससे आपके पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनी अच्छी आदत का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।